Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and my name is Shivi if you are new to my channel. तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ, मैंने कैसे इस लुक को क्रिएट किया एंड दिस इज वेरी ईजी टू क्रिएट और बहुत जल्दी से आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो. स्पेशली हमें जो टाइम लगता है वो हमें टाइम लगता है आई मेकअप में. तो आई मेकअप मैंने कैसे कैसे किया, कौन कौन से ब्रशेज यूज़ किए, ज़्यादा आपको ब्रशेज़ की भी ज़रूरत नहीं है, किस ब्रांड के मैंने ब्रशेज यूज़ किए मैं आपको वो भी बता दूंगी. अफोर्डेबल ब्रश के साथ मैंने इस मेकअप को क्रिएट किया है और बहुत ईजी सा है. अगर आप कहीं पर ब्लैक वेयर कर रहे हो तो आप इस मेकअप को कर सकते हो, आप इससे आइडिया ले सकते हो. और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन लिपस्टिक अप्लाई की क्योंकि मेरा आज मन डार्क ब्राउन का कर रहा था. आप चाहे तो आप इसके साथ न्यूड शेड भी ले सकते हैं, ब्राउन में ही आप न्यूड शेड ले सकते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा इस लुक पर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं ये लुक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने अपना स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर लिया था, मतलब टोनर, सेरम और मॉइस्चराइज़र के बाद. मैंने कोई प्राइमर और कलर करेक्टर्स नहीं अप्लाई किए हैं, मैं डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ आईज़ पर क्योंकि मुझे ऐसा जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है कलर करेक्टर की. हाँ, लेकिन अगर किसी मतलब पार्टी में जाना है नाइट टाइम पर तो मैं ज़रूर कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी, लेकिन अभी क्योंकि मैं घर पर ही थी और मैं दिन में ये मेकअप कर रही हूँ तो मैंने नहीं अप्लाई किया कोई कलर करेक्टर. और ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, वेट है और स्क्वीज्ड है बहुत अच्छे से. अब ये स्क्वीज्ड और थोड़ा वेट होना चाहिए तभी बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा. तो मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया और बहुत अच्छे से लगाइएगा क्योंकि कंसीलर अच्छे से लगा होगा, फाउंडेशन अच्छे से लगा होगा तो आई शेड्स के जो कलर हैं वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होकर आएंगे. ठीक है, तो अब उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई कर लो, कोई भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर लो जो भी आपका है आपकी स्किन शेड का आपके पास. तो बस मैंने वो फाउंडेशन अपनी फिंगर से डैप डैप करके लगाया और अब मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप कर ही ब्लेंड कर रही हूँ. रगड़िएगा नहीं ब्लेंडर को, ऐसे ही डैप डैप कर ही आप अपने ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लीजिएगा. अब उसके बाद मैं लूज पाउडर से अपना जो बेस मैंने लगाया है आईज़ पर वो सेट कर रही हूँ. अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, पहले अगर आप बिगनर हैं तो आई मेकअप ही पहले करिएगा क्योंकि कोई मिस्टेक होती है, कोई फॉल आउट होता है तो फिर वो अच्छे से रिमूव हो जाता है. ठीक है, इसलिए पहले आई मेकअप करते हैं. तो अब मैंने ये बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लिया है, ये वेगा का है और बहुत अफोर्डेबल ब्रश है और बहुत अच्छे भी हैं. ठीक है, तो मैं इससे अपनी अबव द क्रीज लाइन स्टार्ट कर रही हूँ ब्लेंड करना. और ये याद रखिएगा, सबसे पहले हमें सबसे लाइट कलर लगाना है तो हम लाइट से डार्क की तरफ होते जाएंगे. और अगर हम इनर कॉर्नर से अपनी आईज़ के और आउटर कॉर्नर की तरफ जाते हैं तो हम लाइट टू डार्क जाएंगे और ऊपर से हम लाइट टू डार्क आएंगे नीचे की तरफ. तो सबसे पहले मैंने लाइट कलर मतलब अप्लाई किया है जो भी मुझे कलर्स लेने हैं. ठीक है, तो मैंने निका के पैलेट से ये जो ऑरेंज कलर है लिया है. और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप एक साथ बहुत सारा कलर लेके ना लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए और उसको ब्लेंड करते जाइए. अभी मैंने नेक्स्ट डेंस ब्रश लिया है और अब मैं इसी सेम निका पैलेट में से ये ऑरेंज कलर मैंने अभी अबव क्रीज लाइन अप्लाई किया और अब मैं ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और मैं इसको अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लेकर ब्लेंड करती जाऊँगी. और ये टाइम लेता है ये वाला प्रोसेस, आप एक साथ बहुत सारा कलर लेके आप सोचोगे कि अब आप उसे अच्छे से ब्लेंड कर लो तो वो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी क्रीज पर बैठ जाएगा और अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा. तो स्मूथ लुक देने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा लेके और उसको ब्लेंड करते जाना है. और अब ये मैंने डार्क ब्राउन कलर लेकर सेम उसी पैलेट में से और मैंने इसको अप्लाई किया है. ठीक है, और मैं थोड़ा सा ये रेवोल्यूशन वाली जो पैलेट है इससे भी ले रही हूँ ब्राउन कलर क्योंकि वो वाला ब्राउन कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो इतना पिगमेंटेड नहीं है. मैं आगे एक और वीडियो डालूंगी, आप उसमें देख सकते हो उसका पूरा रिव्यू निका के पैलेट का. अब मैं नेक्स्ट ये छोटा फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और मैंने इसकी हेल्प से रेवोल्यूशन वाली पैलेट में से ब्लैक कलर लिया है. मैं अभी दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सा ब्लैक कलर लिया है. और उस ब्लैक कलर को, ये वाला ब्लैक कलर दिस, ठीक है, और इस ब्लैक कलर को लेके मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्रीज लाइन पर ही, जहाँ मैंने ब्राउन कलर अप्लाई किया था उसी के ऊपर मैं ये ब्लैक कलर से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. और जब ये लाइन मैं अच्छे से थोड़ा डार्क सी ड्रॉ कर लूँगी फिर मैं उसके बाद इसको दूसरी साइड से छोटा फ्लफी वाला जो ब्रश है इससे मैं अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो मेरे ये तीनों शेड हैं ये आपस में मिक्स हो जाएं और पता नहीं चले ज़्यादा और स्मूथ लगे. अब उसके बाद मुझे गोल्डन शेड चाहिए था लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट गोल्डन था नहीं तो अब मैं ये कॉपर वाला शेड ले रही हूँ और मैं दो शेड अप्लाई करूँगी, ये और एक ये वाला. ठीक है, इसी पैलेट में से थोड़े से शिमरी हैं ये दोनों शेड तो
मैं फिंगर की हेल्प से ये यहाँ पर अपनी आईलिड पर लगाऊंगी। आईलिड पर जब भी हम लगाते हैं तो हमें सिर्फ मतलब डैब डैब करके ही लगाना होता है, तो उसके लिए मुझे फिंगर बेस्ट लगती है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर मेकअप कर रहे हैं तो, लेकिन अगर इफ़ यू आर डूइंग मेकअप ऑन समवन एल्स तो आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप ज़रूर ब्रश से अप्लाई करें। और जब आप खुद कर रहे हैं तो आप अपनी फिंगर से कर सकते हैं, नो इशू। तो मैं वही कर रही हूँ क्योंकि फिंगर से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, ठीक है। तो मैंने पहले वो लाइट गोल्डन शेड अप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने ये डार्क वाला इसके ऊपर से अप्लाई कर लिया पूरी आईलिड पर। तो फिंगर की हेल्प से ही बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं फिर से ये बड़ा फ्लफी वाला ब्रश लूँगी जिससे मैंने पहले ऑरेंज कलर अप्लाई करा था। अब मैं इनको सबको एक साथ मर्ज कर दूँगी और फिर से ब्लेंड कर दूँगी ताकि ये स्मूद हो जाए। ये देखो आप, ठीक है, तो इनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ शुगर का आईलाइनर, और ये लाइनर अच्छा है, मैट है एकदम, और अच्छा क्विकली ड्राई भी होता है। लेकिन मतलब ये लोग बोलते हैं कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, लॉन्ग लास्टिंग तो सिर्फ जेल लाइनर्स ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लाइनर चाहिए, आपको कहीं लंबे टाइम के लिए पार्टी में जाना है, तो आप जेल लाइनर अप्लाई करिए। अदरवाइज़ थोड़ा टाइम के लिए आपको कहीं जाना है इधर उधर डेट पर, लंच या डिनर, तो आप ये लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, मैट है एकदम, बहुत क्विकली ड्राई होता है, ठीक है। तो यस, लाइनर में क्या है, आप सेंटर लिड से स्टार्ट करिए और पीछे की तरफ लेकर जाइए उसको विंग बनाते हुए, और आगे उसमें पतला सा ही रखिए आगे, और सेंटर में थोड़ा सा आप उसको मोटा रखिए। अब ये मैं जो पहले मैंने ब्रश लिया था वही छोटा वाला फ्लैट ब्रश, अब मैं उसकी हेल्प से नीचे डार्क ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ आईज़ में। देखो, अगर आप आईज़ में नीचे नहीं अप्लाई करोगे कलर या आई शेड, तो वो एकदम प्रोफेशनल लुक नहीं मिलेगा आपको, और वो अच्छी नहीं लगेगी और अधूरा अधूरा लगेगा आपका आई मेकअप। तो इसलिए डिपेंड करता है, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा अप्लाई किया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हाफ तक भी, हाफ आई तक भी आप इसको लगा सकते हो नीचे, तो मैंने ये पूरा अप्लाई किया। अब मैं उसके बाद दो मस्कारा ले रही हूँ क्योंकि मैं आई लैशेज अप्लाई नहीं कर रही हूँ अभी। तो दो मस्कारा जब हम अप्लाई करते हैं अलग अलग ब्रांड का, तो थोड़ी लैशेज अच्छे से एनहेंस हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपना लॉरियल का अप्लाई किया है मस्कारा, और मैंने अच्छे से लैशेस पर इसको लगाया, और जिगजैग करते हुए लगाइए। और मैं ना कर्ल करना भूल गई थी लैशेस, तो आप मत भूलिएगा, ये वाला लैशेस कर्लर ज़रूर ले आएँ आपके पास अगर नहीं है तो, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से लैशेस आपकी कर्ल हो जाती है, और फिर मस्कारा लगाने के बाद आपको एक बहुत अच्छी सी शेप मिलती है। अब मैंने ये पैक का स्किन कलर का काजल लाइनर लिया है, इसमें स्मजर भी है पीछे की तरफ, आप देख रहे हो कि वो कैप लगा हुआ है। मैंने ये अप्लाई किया आईज़ में, इससे क्या होता है आईज़ थोड़ी बड़ी लगती हैं, और जिनकी आईज़ छोटी हैं उनको ये ज़रूर लगाना चाहिए। वाइट और स्किन कलर ये ट्रेंड में भी है, आप देखो दोनों आईज़ में कितना डिफरेंस है, बड़ी लग रही है जिसमें मेकअप हो गया है वो वाला। तो यस, ये बहुत अच्छा है और ट्रेंड में भी है ये वाइट और स्किन कलर के काजल या लाइनर, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई किए। और आईब्रोज़ मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी, और ये मेरा पूरा आई मेकअप डन। अब उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो फाउंडेशन जो भी है आपके पास आपकी स्किन टोन का, वो आप अप्लाई कर लीजिए अच्छे से इवनली, और इसी तरीके से अप्लाई करिएगा उसको अपने हैंड की बैक साइड पर लेकर, और फिर वहाँ से फिंगर की हेल्प से आप ऐसे पॉइंटेड रख दीजिए, और फिर उसको ब्लेंडर की हेल्प से आप अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है। और नेक पर लगाना ना भूलें, नेक पर अच्छे से लगाएं, और डैब डैब कर कर ही ब्लेंडर से यू नो ब्लेंड करें आप, ऐसे ब्लेंडर को रब ना करिएगा स्किन पर, क्योंकि उससे स्किन पर भी इफ़ेक्ट आएगा और फाउंडेशन भी आपका फिर केकी लगेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप उसको टाइम लेके धीरे धीरे अच्छे से आप उसको ब्लेंड करिए, और ध्यान रखिएगा जो ब्लेंडर है वो थोड़ा डैम्प हो, मतलब वेट हो, ठीक है, वेट और स्क्वीज्ड हो। नोज़ एरियाज़ पर ज़रूर इस साइड ऐसे अप्लाई करिएगा, वरना फिर वो गंदा लगता है अगर आप नोज़ छोड़ दोगे इस तरीके से। तो ये बस यही है, कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है फाउंडेशन को ब्लेंड करने का, बस ये डैब डैब करके आप ब्लेंड करते जाए। हाँ, नेक पर ज़रूर अप्लाई करें, वरना थोड़ा फेस का और नेक का कलर अलग अलग हो जाएगा। बस उसके बाद क्या आपको अब करना है, उसके बाद आपको एक लूज़ पाउडर लेना है। मेरा जो लूज़ पाउडर लॉरियल का है, और मतलब ये मिनरल्स पाउडर है लूज़ वाला, तो ये बहुत अच्छा होता है, इससे स्वेटिंग नहीं होती है फेस पे, क्योंकि मुझे स्वेटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्किन भी थोड़ी ऑयली टू कॉम्बिनेशन में आ जाती है,
तो लूज पाउडर से आप अगर अपना फाउंडेशन सेट करेंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और आपको स्वेटिंग भी बहुत कम होगी इसको लगाने के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्टोरिंग, तो मैंने ये अपना नेक्स का पैलेट लिया है कि प्रोफेशनल पैलेट है एंड ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत बहुत अच्छा पैलेट है और इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो वो था मेरा फर्स्ट वाला शेड कॉन्टोरिंग के लिए, तो मैं अब फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ और बहुत अच्छा सा पाउडर प्रोडक्ट है ये, लेकिन बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा है। आपका ऐसा नहीं लगता, अभी आप देखिएगा बाद में जब पूरा मेकअप सेट हो जाएगा तो लगेगा नहीं कि मतलब आपने एज सच कुछ कोई प्रोडक्ट अप्लाई किया है। बहुत प्रोफेशनल है ये वाली पैलेट, मुझे बहुत पसंद है ये वाली पैलेट और इसमें सारे शेड्स हैं, मतलब मेरा जो शेड है मैं उसी को अप्लाई कर रही हूँ इसमें। और आप लोगों के लिए जिनकी थोड़ा मीडियम अंडरटोन वाले हैं या थोड़ा डार्क अंडरटोन वाले हैं उन वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये पैलेट पूरा काम करेगा, ठीक है। तो मैंने नोज़ को कंटूर किया, फोरहेड को कंटूर किया और नीचे से अपनी जॉ लाइन को कंटूर किया। अगर आपको डबल चिन है, मुझे है थोड़ी सी, तो मैंने कंटूर किया, वैसे करना चाहिए, तो फेस ना थोड़ा अलग से हाईलाइट होता है अगर आप कंटूर करते हैं। तो इसी सेम पैलेट से अब मैं बनाना पाउडर लेके और जो मैंने कंटूर किया उसको कट कर दूंगी, मतलब जो एक्स्ट्रा है वो कट कर दूंगी और साथ साथ मैं अपने मेकअप को बेक भी कर लूँगी। तो ये देखो एकदम बनाना पाउडर जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा, थोड़े से ही आपको इतना अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा और आपके फेसेस पे प्रॉपर कट आ जाएंगे, ठीक है। तो आईज़ के नीचे भी लगाइए, यहाँ का मेकअप भी आपका बेक हो जाएगा अच्छे से। और जो चीक्स पर किया था उसके नीचे मैंने अप्लाई किया, थोड़ा सा ये नोज़ की तरफ मैंने अप्लाई किया नोज़ को शेप देने के लिए। तो नेक्स्ट मैंने ये पाउडर ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से मैं अब ब्लशर अप्लाई करूँगी। ये है शुगर का ब्लश और ये है सॉफ्ट पीच शेड में, 01 है शायद इसका नंबर, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सब प्रोडक्ट्स के लिंक। और इससे मैंने अपने चीक्स पर अप्लाई करना स्टार्ट किया है ब्लशर को। आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए और जो चबी चीक्स वाले फेसेस हैं वो थोड़ा पीछे पीछे ही रखिए अपना ब्लशर, और जिनका फेस थोड़ा स्लिम है वो आगे तक ला सकते हैं अपने ब्लशर को। तो और थोड़ा सा नोज़ पर, फोरहेड पर और थोड़ा सा चिन पर भी लगाइए तो थोड़ा नेचुरल लुक लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपने गालों पर ही ब्लशर लगाया है, वो पूरे फेस पर थोड़ा थोड़ा वैसा शेड रहता है। और अब इसी सेम ब्रश से मैंने ब्लशर हटाने के बाद थोड़ा सा इसको एक टॉवल पे क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैंने अपना जो बनाना पाउडर बेकिंग के लिए लगाया था उसको मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब देखो मैं इसी सेम पैलेट से अब हाइलाइटर लूँगी, तो इस पैलेट में बनाना पाउडर, कॉन्टोरिंग, हाइलाइटर सब कुछ है इसमें, मतलब ये तो वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप है। और ये वाला जो हाइलाइटर है ये बहुत नेचुरल है और इसमें कोई ग्लिटर पार्टिकल्स भी नहीं है, और मैंने मतलब मेबलिन के यूज़ किए हैं उनमें काफ़ी ग्लिटर्स होते हैं, वो एकदम नेचुरल नहीं लगते हैं। और ये आप डे टाइम में भी अप्लाई कर सकते हो, नाइट टाइम में भी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए ये वाला हाइलाइटर तो मेरा फेवरेट है। इसमें ऐसे ना कोई नेम वगैरह नहीं दिया हुआ है, बट ये थोड़ा सिल्वर टोन में है हाइलाइटर, और एक इसमें गोल्ड टोन में भी है हाइलाइटर, वो भी बहुत अच्छा है। और दोनों में ही मतलब ग्लिटर पार्टिकल दोनों ही हाइलाइटर्स में नहीं है। तो मैंने अपनी चीक बोन को हाईलाइट किया, नोज़ को हाईलाइट किया, फोरहेड को हाईलाइट किया, थोड़ा सा अपर लिप पर और चिन पर भी थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया। अब नेक्स्ट मैं लॉरियल का शेड ले रही हूँ, ये 303 ब्राउन में। आप इस मेकअप पर कोई भी लाइट ब्राउन या न्यूड में आप कोई भी शेड ले सकते हैं। आज पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा डार्क लगाने का मन था, काफ़ी टाइम से मैं लाइट ही लगा कर शूट कर रही थी, तो इसलिए मैंने ये डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया। और ये है फाइनल लुक, और मैं ना थोड़ा भूल गई थी वो फिक्सर लगाना, तो अभी मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई करूँगी, और क्योंकि मेकअप फिक्सर का भी एक अलग ही अपना रोल होता है, तो ये मैं फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ मैक का। और फिक्सर अप्लाई करने के बाद वापस से आप अपने ब्लेंडर से इसको थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड कर ले ताकि वो स्किन में और अच्छे से सेटल हो जाए और आपका मेकअप एकदम फिक्स हो जाता है। ये मैक का फिक्सर बहुत अच्छा है, आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। तो यस गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।